भावना गवळी सुद्धा गेले अनेक महिने लापता होत्या का त्या ईडीला घाबरून आणि ज्यावेळी त्यांनी भारतीय जनता पार्टीमध्ये किंवा एक शिंदे गटामध्ये प्रवेश केल्याबरोबर त्यांच्या दोन माणसांना जामीन मिळतो त्यांना क्लीन चीट दिली जाते म्हणजे असं आहे की ईडी संपूर्णपणे भारतीय जनता पार्टीचे चालवत आहेत जसे जसे त्यांना त्यांना सरेंडर होतील तसे त्यांच्यावरच्या केसेस त्यांना क्लीन चीट दिली जाते परंतु संजय राऊत हा असा बेधडक बाळासाहेबांचा माणूस आहे निष्ठावंत सैनिक आहे तो ईडीला न जुमानता न घाबरता ईडीला समोरे गेलेला आहे आणि मला खात्री आहे की याच्यातून सुद्धा संजय राऊत सर एकदम परफेक्टपणे बाहेर पडतील. सर काय काल काल जेव्हा उद्धव ठाकरे जेव्हा संजय राऊत यांना भेटायला जातात तर दुसरीकडे शिंदे गटाकडनं असं म्हटलं जातं की जेव्हा भावना गवळी किंवा इतर जेव्हा अडचणीत होते तेव्हा मात्र उद्धव ठाकरे त्यांना भेटायला आले नाहीत फक्त संजय राऊत यांच्या घरीच का गेले. भावना गवळीने अटक केली होती कारण घरी जायला अजिबात नाही. संजय राऊत ज्या प्रकारे या कंडिशनमध्ये ईडीला सामोरे गेले अटक करून घेतली त्याचा अर्थ सगळ्या शिवसैनिकांना माननीय उद्धव साहेबांसाठी त्या संजय राऊतांचा त्यांना अभिमान आहे की कुठेही दबावाला बळी न पडता कुठेही न झुकता संजय राऊत ईडीला सामोरे गेले आणि त्यामुळे उद्धव साहेब तर माझी आई तिचं वय 84 आहे त्यामुळे तिला भेटणं गरजेचं होतं. आमचे प्रमुख आहेत उद्धव साहेब त्या प्रमुख या नात्याने उद्धव साहेब त्यांना घरी घेऊन त्यांना भेटले आईला माझ्या बहिणीला. आज दोन तीन चार जणांना चालते रिकॉर्ड रेकॉर्ड किया जा रहा है प्रक्रिया हो रही है क्या नहीं रेकॉर्ड चालू है. जो जिस तरह से ईडी ने जो समन्स भेजा था उस बारे में अभी इंक्वायरी चालू है स्टेटमेंट चालू है उसमें से जो रियल है वो स्टेटमेंट दे देंगे राव साहब. प्रवीण राउत जो है एक तरह से फ्रंट मैन थे सब कुछ सर्वे सर्वा सारे ये बात कल ईडी ने कही है. ये ईडी ने कही है ना ईडी ने कही है ना इसके अंदर कोई प्रूफ है क्या जिसका नाम राउत है तो क्या सब हमारे हमारे कनेक्टेड हो गए क्या. प्रवीण राउत के ऊपर FIR दाखिल हुआ है चार्जशीट फाइल है उनको जो होगा वो देखा जाएगा. अभी प्रवीण राउत को अरेस्ट कभी किया वो भी देख लो आप. 8-9 महीना हुआ अरेस्ट करवा के 8-9 महीने में संजय राउत का नाम आया नहीं आया नहीं. आज ही कैसा 5-6 दिन में कैसे चल रहे हैं कि ये सब पॉलिटिकली है. संजय राउत जिस प्रकार से भाजपा के विरोध में बोले उनको इसी तरह से उनका आवाज़ दबाना है माननीय उद्धव साहब जी को उनका उनको कमज़ोर करना है इसलिए ये पॉलिटिकल फ्रेम बना के रखिए और कुछ नहीं ऑल बोगस. एक करोड़ 60 लाख रुपए अवार्ड को मिले हैं सर. सर सड़क से लेकर संसद तक विरोड़ को लेकर बीजेपी कह रही है 1 करोड़ 60 लाख रुपए आप लोगों की आपके परिवार को मिला है प्रवीण राउत की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कोर्ट के अंदर. अरे ईडी कुछ भी आरोप लगाएगी ये आरोप लगाने में कल आपको मैं ईडी पे आरोप लगा दूंगा कि इनके सबसे जो जिनको जिसको क्लीन चीट दिया है उनसे भी ईडी ने पैसा लेके क्लीन चीट दिया है. आरोप लगाने में क्या है आरोप जब होता है जब उसके प्रूफ मिला जाता है और संजय राउत को जो आरोप लगा रहे वो पॉलिटिकल आरोप है. पॉलिटिकल आरोप है संजय राउत का आवाज़ दबाना है माननीय उद्धव साहब को अकेला गिराना है इसीलिए ये सब आरोप है इसलिए उनको अरेस्ट है. क्यों नहीं भावना गवळी को 6-7 महीना हुआ उनको भी ईडी का नोटिस आ रहा था उनके दो आदमी को अरेस्ट किया था जैसे भावना गवळी शिंदेगढ़ में गई उनको क्लीन चीट दिया गया उनको क्लीन चीट क्यों आरोप निकल गए सब. ये सब दुनिया जानती है देश जानता है आने वाले इलेक्शन में सब कुछ समझेगा. आपके पुराने सहयोगी रहे एकनाथ शिंदे ने संजय राउत सर कमेंट में मंडल कहा कि 8 बजे का भोंगा बंद चला बंद हो गया है. अरे यही भोंगा बजते थे इसलिए 2.5 साल एकनाथ शिंदे नगर विकास मंत्री बने. आज जो उनके पीछे आमदार गए ना वो इसी जो उनके पास खाता है नगर विकास उससे गए